नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RS न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिरकार किस दिन भारतीय टीम का ऐलान होने वाला है जो कि बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज खेलेगी। तो वहीं दोस्तों 2 साल बाद इस धुरंधर की वापसी संभव होने जा रही है, तो जानेंगे आज के इस वीडियो में पूरी प्लेइंग 11 टीम के बारे में। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। और हाँ, अगर आप लोग भी भारतीय टीम को दुनिया की सबसे खतरनाक टीम मानते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल RS न्यूज को सब्सक्राइब के बेल की घंटी को जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि अगले महीने बांग्लादेश की टीम भारतीय दौरे पर आने वाली है, जहां पर भारत और बांग्लादेश के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जानी है, जिसके चलते भारतीय टीम का ऐलान 24 अक्टूबर को किया जाएगा। ये जो खबर है वो BCCI की ऑफिशियल वेबसाइट पर अनाउंस की गई है। तो ऐसे में 24 अक्टूबर को जो फाइनल टीम होगी उसका ऐलान किया जाएगा। तो इसी बीच हम आपको पहले पूरा शेड्यूल बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो पहला T20 मुकाबला होगा वो 3 नवंबर को दिल्ली में खेला जाएगा, दूसरा जो T20 मुकाबला होगा वो 7 नवंबर को राजकोट में खेला जाएगा और तीसरा मैच जो होगा वो 10 नवंबर को नागपुर में खेला जाएगा। तो वहीं पहला टेस्ट मैच 14 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक चलेगा इंदौर में, और वहीं जो दूसरा टेस्ट मुकाबला होगा वो 23 से लेकर 26 नवंबर तक के बीच में कोलकाता में खेला जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों ये तो हुआ पूरा शेड्यूल कि भारतीय टीम कहाँ कहाँ मैच खेलेगी, कब कब उसका मैच होगा। तो इसी के चलते अब आइए चलिए बात करते हैं कि आखिरकार वो कौन सा खिलाड़ी है जिसकी लगभग 2 साल बाद T20 क्रिकेट में वापसी होने जा रही है। जी हां दोस्तों, ये कोई और नहीं बल्कि T20 सीरीज के धाकड़ बल्लेबाज सुरेश रैना है, जिनकी लगभग 2 साल बाद भारतीय टीम में वापसी हो सकती है। तो वहीं हम आप लोगों को बता दें कि सुरेश रैना ने जो अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला था वो 17 जुलाई 2018 को खेला था। तो ऐसे में उन्हें ना खेलते हुए बहुत साल हो चुके हैं और अब ये खबर निकल के आई है कि सुरेश रैना की बांग्लादेश के खिलाफ वापसी करवाई जाएगी T20 टीम में, क्योंकि वो जो अपनी इंजरी थी उससे उभर चुके हैं। तो अब देखना होगा कि सुरेश रैना में खेलते हुए दिखेंगे या फिर नहीं। तो अगर हम लोग बात करें जो 15 सदस्य टीम घोषित होगी वो कौन सी टीम हो सकती है, जैसे कि आप सभी अपनी स्क्रीन के सामने इस तस्वीर को देख पा रहे होंगे, इसमें होंगे रोहित शर्मा, शिखर धवन, KL राहुल, विराट कोहली, ऋषभ पंत, सुरेश रैना, महेंद्र सिंह धोनी, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, युजवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह और दीपक चाहर। तो ऐसे में दोस्तों यही वो टीम होने वाली है जो भारतीय टीम की तरफ से खेलेगी। अब लेकिन देखना होगा कि इनमें से किन किन खिलाड़ियों को जगह मिलती है टीम में और किन किन खिलाड़ियों को नहीं मिलती। तो ऐसे में दोस्तों अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का क्या कहना है, क्या सुरेश रैना को भारतीय T20 टीम में शामिल करना चाहिए अब या फिर नहीं। अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को दिखाई गई ये जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाइएगा। मिलेंगे अगली ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।